मैं स्टार्ट करूँगा चीज़ों से। तो आज के ब्लॉग में मैंने शॉपिंग की थी कॉस्मेटिक की शॉप से। कॉस्मेटिक की शॉप से मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो वीडियो शॉर्ट हो वीडियो को कोई बात कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितने भी बहन हो जितने भी भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे अपने इस्तेमाल में रखें। माशाल्लाह से ये मेरा सबका तीसरा चैनल है जिस पर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा नाम नहीं, ये मेरे कज़न के नाम पर चैनल है। तो आगे जा कर कोई मसला ना हो, मेरा अकाउंट बंद ना हो, इसलिए मैं कज़न के नाम के चैनल पर काम कर रहा हूँ। मेरा पहला चैनल जोन शेख के नाम से था और दूसरा चैनल जोन देवी का था। दोनों चैनल के अकाउंट से बंद हो चुके हैं, इसलिए मैं अपने घर की एड्रेस पर मोबाइल नंबर पर कोई भी चैनल नहीं चला सकता। तो ये मेरे कज़न के नाम का जो है ना चैनल है, तो काम मैं इससे कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह से ये जब मॉनिटाइज होगा तो चले फिर आप लोगों से चीज़ें शेयर करता हूँ। यहाँ पर मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली कॉस्मेटिक शॉप से, तो सबसे पहले मैंने ली कॉस्मेटिक शॉप से ली थी बकरी पार्ट जाती है। तो उसके बाद ये है जी गोल्डन गोल्डन पर वाला का लोशन मैं यूज़ करता हूँ। वैसे भी रेमडी में भी यूज़ करता हूँ, वैसे भी यूज़ करता हूँ। तो ये साफ टच वालों का लोशन है, ये भी मैं रेमडी में यूज़ करता हूँ, वैसे भी यूज़ करता हूँ। तो ये मैंने एक फेयर स्प्रे लिया था, मतलब आप बालों पर स्प्रे कर सकते हैं तो बाल आपके काफ़ी प्यारे लगेंगे, गोल्डन कर सकते हैं। तो जैसे आप वॉश करेंगे तो फिर इसका कलर जो है उतर जाता है, ये परमानेंट नहीं होता। वैसे ही के साथ नहीं किसी बाप के साथ तब तक के लिए क्योंकि मैं उसको ज़्यादा करना काफ़ी नंबर है।